सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्टिस्ट पेंसिल कैसे शार्प करते हैं। तो ऐसे शार्प होती है आर्टिस्ट लोग पेंसिल जो शार्प करते हैं, तो फुल ट्यूटोरियल रहेगा। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक कटर, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, पर आप इसको केयरफुली यूज़ करिएगा। और एक नॉर्मल शार्पनर और एक टूटी हुई पेंसिल। तो पहले मैं पेंसिल को नॉर्मली पॉइंटेड शार्प कर लूँगा, ज़्यादा लॉन्ग टिप नहीं रखूँगा। और अच्छे से इसको आप पूरी अच्छे तरीके से शार्प कर लें, जिससे कि इसकी वो टिप बिल्कुल पॉइंटेड हो जाए। फिर बाद में हम लोग इसको कटर से शार्प करेंगे, तो इससे आपको पॉइंटेड टिप का भी मोटिव पर्पस पूरा हो जाएगा। वरना अगर आप शार्पनर से पहले नहीं शार्प करना चाहते, तो आप इसको सैंड पेपर से भी रब कर सकते हैं लास्ट में। अब मैं यहाँ पर अपना कटर लूँगा। आप प्लीज़ कटर थोड़ी ज़्यादा अच्छी केयरफुली से यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है, जिससे आपके हाथ वाथ भी कट सकता है। तो मैं आप धीरे धीरे से पहले ऊपर का जो कोटिंग होती है उसको पहले मैं कट करना चालू करूँगा कटर से। बिल्कुल आपको केयरफुली और बहुत ही धीरे धीरे सब करना है। आप मेक श्योर करिएगा कि आपको कोई इसमें इंजरी ना हो जाए। और अगर आप ना कर पा रहे हैं, तो आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम लोग को पहले ऊपर की कोटिंग शार्प कर लेनी है धीरे धीरे कर करके। फिर कोटिंग को शार्प करने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ जा जा के लेट की तरफ बढ़ेंगे। तो शार्प करने के लिए आपको अपना थंब से पीछे प्रेशर लगाना है, और अगर आप थंब से पीछे प्रेशर लगाएंगे तो इससे आपको कट करने में बहुत आसानी होगी। और मैं यहाँ पर आर्टलाइन की पेंसिल, जो कि टू बी ग्रेड की पेंसिल है, शार्पिंग करने में एक और पॉइंट है कि ये और सब जगह से इक्वल शार्प करना है। ये कॉनिकल फॉर्म में होगी, नीचे से ये थोड़ा ब्रॉड रहेगा, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते ये नैरो होता जाएगा। फिर टिप तो आपको जानते हैं पॉइंटेड है, तो मतलब बहुत ही नैरो होगी। हम लोग को इसी तरह लेयर बाय लेयर पेंसिल को शार्प करते जानी है। और तब तक शार्प करते रहेंगे तो एक लेयर ऐसी आएगी जिसमें हम लोग को लेट दिखेगी, जैसे ऊपर से। फिर आपको तब लेट दिखेगी, तो इसको लेट तब लेट आ जाए आपकी शार्पिंग में, तो आप इसको बहुत ही धीमे धीमे से करिएगा। और ये पॉइंट श्योर रखिएगा कि लेट टूट ना जाए, क्योंकि इसमें लेट टूटने की थोड़ी चांसेस ज़्यादा रह सकती हैं शार्प करते समय। और आप पेंसिल की लेड की लेंथ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपको रखनी है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लॉन्ग लेड होती है, उससे आपको अपना पॉइंट ऑफ विजन या फिर व्यू बहुत ही अच्छे दिख जाता है पेपर पे। और ये पेंसिल की लेड होती है, देर में ख़त्म होती है। वैसे हम लोग को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा शार्प करनी पड़ती है। और तब आपकी एक और पॉइंट है, तब आपकी लेड की पॉइंटनेस कम ख़त्म हो जाए, तब आपकी पेंसिल ब्लंट हो जाए। तो आप इसको बाद में एक सैंड पेपर से भी रब करके उसको पॉइंटेड बना सकते हैं लेड को। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने अभी लॉन्ग करी, अब और मुझे उसको और लॉन्ग करना है, तो मैं नीचे से और वही सेम प्रोसीजर, पहले कोटिंग को शार्प करूँगा, फिर नीचे नीचे ले जा जा के पूरा उसको शार्प करने का वही प्रोसीजर अपनाऊँगा, जितनी लंबी मुझे चाहिए। वो आपकी विश के ऊपर है, आप जितनी लंबी करना चाहें। वैसे अगर आप नॉर्मल शार्प करते हैं, वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें वही है कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से नहीं मिल पाता पेपर के ऊपर आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, और इससे आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो सकती है। तो इसलिए ये मेथड शार्प करने का और ऐसी शार्पिंग सही मानी जाती है। आर्टिस्ट जितने भी होते हैं सब ऐसे ही शार्प करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। लगभग अब मेरी पूरी पेंसिल शार्प हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने शार्प करी है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि पेंसिल कैसे शार्प हुई है।
तो ऐसी मैंने पॉइंटेड लाइट शार्प करी थी, और ये काफ़ी बार आप होता है कि टूट जाती है लाइट, तो आप इसलिए इस चीज़ में केयरफुल रहिएगा कि आपकी लाइट टूटे ना। और ये आप देख सकते हैं, ये एच बी पेंसिल थी, ये मैंने पहले साफ करी थी, तो ये छोटी सी होगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी बार, तो इसलिए बहुत बार छोटी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको थोड़े बहुत एडवांटेजेस दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि कैसे होगा, और देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकली करके एकदम पूरे लार्ज एरिया में जल्दी जल्दी शेड कर लिया है। तो ये इनकी, तो ये शार्पिंग की थोड़ी बहुत एडवांटेजेस हैं। पहला पॉइंट है कि इससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मिलता है, जैसे जो आप ड्रॉ कर रहे हो आपको दिख पाता है। दूसरी बात, आपको लास्ट सरफेस एरिया ऑफ शेडिंग मिल जाता है, जिससे आपकी शेडिंग और ड्राइंग बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक अगली वीडियो के लिए आप मेरे लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।